हाँ भाई, नमस्कार भाई। तो देखिए भाई, आज अपन चालू करेंगे 1857 की क्रांति, ठीक है ना भाई, स्वतंत्रता आंदोलन। तो आप लोग चैप्टर डाल लो भाई। अठारह सत्तावन की क्रांति, स्वतंत्रता आंदोलन। हाँ, अब देखिए भाई, ध्यान दो। देखिए भाई, सबसे पहले ध्यान दो भाई, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कुल छह छावनियां थी भाई। 1857 क्रांति के समय राजस्थान में कुल कितनी छावनियां थी भाई? छह छावनियां थी, जिनमें सैनिक रहा करते थे। तो देखिए भाई, छह छावनियां, देखो भाई कौन कौन सी, जान दो भाई। देखो, एक छावनी थी अपनी, कौन सी? नसीराबाद है, नसीराबाद छावनी। देखिए भाई, नसीराबाद छावनी कहाँ थी बोलो? अजमेर में थी। और देखिए भाई, ये राजस्थान की क्या थी बोलो? अब इसकी डिटेल पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद में। हाँ, ये 1857 क्रांति ध्यान रखना भाई, कई स्टूडेंट पढ़ लेते हैं फिर भूल जाते हैं, बहुत कठिन चीज है। लेकिन जो स्टूडेंट आज रेगुलर क्लास लेगा पूरी एक घंटे की, उसके मतलब एक तरह से 100% पूरी 1857 क्रांति याद हो जाएगी क्या? तो देखिए भाई, नसीराबाद छावनी अजमेर में है, राजस्थान की सबसे शक्ति साली छावनी है। अच्छा, तो देखिए भाई, नसीराबाद छावनी अजमेर में है, ये राजस्थान की सबसे शक्तिशाली छावनी है। और देखिए भाई, राजस्थान में सबसे पहले विद्रोह भी आया हुआ था, भी बताऊंगा कब हुआ था। 28 मई 1857 हुआ था सबसे पहले विद्रोह राजस्थान में, यही हुआ था। अच्छा, देखो भाई, एक छावनी कौन सी थी अपनी बोलो भाई? ब्यावर। ब्यावर की छावनी कहाँ पड़ती है भाई? अजमेर में। कहाँ पड़ती है भाई? अजमेर में। और एक छावनी अपनी कौन सी थी भाई, बताओ? एक छावनी थी भाई देवली। देवली कहाँ है भाई? टोंक में। एक छावनी थी देखो भाई अपनी खेरवाड़ा। खेरवाड़ा कहाँ है भाई? उदयपुर में। अच्छा, ध्यान दो भाई, एक छावनी थी अपनी कौन सी भाई? एरनपुरा। अच्छा, एक चीज इससे पहले ये देखो आप लोग, ध्यान दो भाई, ये खेरवाड़ा तो छावनी है, ध्यान दीजिए भाई, इसमें विद्रोह नहीं हुआ। तो बताओ, राजस्थान की ऐसी दो कौन कौन सी छावनी है जहां पर विद्रोह नहीं हुआ? एक तो ध्यान दो भाई, खेरवाड़ा उदयपुर, और एक है भाई ये ब्यावर वाली, इसमें भी विद्रोह नहीं हुआ। तो ध्यान दीजिए भाई, कौन सी दो छावनी में विद्रोह नहीं हुआ? तो आप लोग क्या आंसर दोगे? खेरवाड़ा उदयपुर और इसमें ब्यावर वाली छावनी में विद्रोह नहीं हुआ। अच्छा, तो देखिए भी ध्यान दो, पांचवी छावनी देखिए भाई, एरनपुरा। एरनपुरा कहां बोलो भाई? पाली में। अच्छा, देखिए भाई, एक छावनी थी कौन सी छठे नंबर की? नीमच। ये नीमच की छावनी ध्यान दो भाई, पहले मेवाड़ रियासत में थी, लेकिन ध्यान दो भाई, ये वर्तमान में कहां है बोलो? एमपी में। कहां है भाई ये? एमपी में। चलो एक बार दोबारा देखो, बताइए भाई, 1857 की क्रांति, अरे 1857 क्रांति के समय राजस्थान में कुल छावनियां कितनी थी भाई? छह। एक छावनी थी कौन सी बोलो? नसीराबाद। नसीराबाद छावनी कहां पड़ती है भाई? अजमेर में पड़ती है, और ये राजस्थान की सबसे शक्तिशाली छावनी मानी जाती है। अब देखिए भाई, ब्यावर की छावनी कहां है बोलो? अजमेर में है, और यहाँ पर कोई किसी प्रकार का विद्रोह नहीं हुआ। अच्छा, फिर देखिए भाई, देवली, देवली कहां है? टोंक में। फिर देखिए भाई, खेरवाड़ा, खेरवाड़ा उदयपुर में है, ये भी ऐसी छावनी जिसमें कोई विद्रोह नहीं हुआ। पांचवे नंबर पे देखो भाई, एरनपुरा, एरनपुरा कहां है? पाली में। अच्छा, नीमच पहले मेवाड़ में, वर्तमान में कहां है भाई ये? एमपी में है। तो नीमच पहले मेवाड़ या स्मृति वर्तमान में एमपी में। तो ये राजस्थान में कुल छावनियां 36, छह में से दो ऐसी छावनी थी जहां पर बिल्कुल विद्रोह नहीं हुआ। तो जो बिल्कुल विद्रोह नहीं हुआ, बताइए भाई वो कौन कौन छावनी थी? तो आप लोग आंसर दे देना कि एक तो ब्यावर थी और एक खेरवाड़ा थी। ओके।
थे भाई 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में, बोलो भाई कुल कितनी छावनियां थी? 6। नसीराबाद छावनी कहाँ है? अजमेर में। ये राजस्थान की क्या थी भाई सबसे शक्तिशाली छावनी थी? अच्छा ब्यावर की छावनी कहाँ है भाई? अजमेर में। यहाँ पर कोई विद्रोह नहीं हुआ। देवली कहाँ है भाई? टोंक में। अच्छा बताइए भाई खेरवाड़ा कहाँ है? उदयपुर में। यहाँ पर भी कोई विद्रोह नहीं हुआ। एरपुरा कहाँ है भाई? पाली में। नीमच पहले मेवाड़ में, वर्तमान में कहाँ है भाई? एमपी में। अब देखो भाई आगे आप ध्यान दो भाई 1857 क्रांति। देखो भाई पढ़ने से पहले आपको यह भी याद रखना है कि 1857 की क्रांति के समय, हाँ 1857 की क्रांति के समय, बहुत आनंद आएगा पढ़ने में, ध्यान रखना भाई। हाँ तो देखिए भाई 1857 क्रांति के समय, जैसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है रियासत, उस रियासत का शासक कौन था और वहां का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, इन चीजों से मिलकर देखिए भाई। हाँ तो ध्यान दो भाई रियासत, जैसे ध्यान दो भाई सबसे पहले देखिए मेवाड़, कौन सी रियासत भाई? मेवाड़। बताओ मेवाड़ रियासत का शासक कौन था 1857 क्रांति के समय? स्वरूप सिंह था। कौन था भाई? स्वरूप सिंह था। अच्छा पॉलिटिकल एजेंट कौन है भाई? सावर्स। हाँ अब देखिए भाई आमेर का शासक कौन था 1857 क्रांति के समय? राम सिंह सेकंड। पॉलिटिकल एजेंट कौन था भाई? मेजर एडन। कौन था भाई? मेजर एडन। अच्छा देखिए भाई मारवाड़ का शासक कौन था? तखत सिंह। अच्छा देखिए भाई मारवाड़ का शासक तखत सिंह, तो आप लोग मुझे बताइए भाई पॉलिटिकल एजेंट कौन है भाई? कौन था यहाँ का? मैकमोहनसन। कौन था भाई? मैकमोहनसन। अच्छा फिर देखिए भाई ध्यान दीजिए आगे क्या होता है। देखो भाई कोटा का शासक कौन था भाई? महाराव राम सिंह। अच्छा बताओ भाई कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था भाई? बर्टन था। कौन था? बर्टन, जिसका सिर काट कर कोटा के चारों तरफ घुमाया था, वही था भी, अपन भी घुमाएंगे रुको थोड़ी देर के लिए। और ये मैकमोहनसन भी वही था जिसका सिर काट कर आवा के किले के सामने लटकाया था। हाँ अब देखिए भाई कोटा की बात में ध्यान दो भाई। देखो भरतपुर, बताइए भाई भरतपुर का शासक कौन है? जसवंत सिंह। कौन है भाई? जसवंत सिंह। और देखिए भाई यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो कौन था बोलो भाई? मॉरिसन। मॉरिसन है। अच्छा अब इसके बाद में देखिए भाई बीकानेर का शासक कौन था बोलो भाई? सरदार सिंह। कौन था भाई? सरदार सिंह। हाँ अच्छा अब इसके बाद में देखिए भाई ध्यान दो, चलो एक बार दोबारा देख लेते, बताइए भाई 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का शासक स्वरूप सिंह था, पॉलिटिकल एजेंट कौन था भाई? सावर्स था। आमेर का शासक राम सिंह सेकंड था, पॉलिटिकल एजेंट एडन था। मारवाड़ का तखत सिंह, पॉलिटिकल एजेंट मैकमोहनसन। फिर देखिए भाई कोटा का कौन है? महाराव राम सिंह। पॉलिटिकल एजेंट कौन है भाई? बर्टन। भरतपुर का शासक कौन है? जसवंत सिंह। और पॉलिटिकल एजेंट कौन है भाई? मॉरिसन। और देखिए भाई बीकानेर का शासक कौन है? सरदार सिंह। कौन है भाई? सरदार सिंह। ओके चलो एक बार दोबारा आंसर दो भाई, बताइए भाई 1857 क्रांति के समय मेवाड़ का शासक कौन था? स्वरूप सिंह। पॉलिटिकल एजेंट कौन था? सावर्स। आमेर का राम सिंह सेकंड, पॉलिटिकल एजेंट कौन है भाई? इडन। मारवाड़ का तखत सिंह, पॉलिटिकल एजेंट कौन है? मैकमोहनसन। अच्छा देखिए भाई कोटा कौन है? महाराव राम सिंह। पॉलिटिकल एजेंट कौन है? बर्टन। भरतपुर का जसवंत सिंह, पॉलिटिकल एजेंट कौन है भाई? मॉरिसन। बीकानेर का सरदार सिंह। ठीक है ना भाई? हाँ अब देखो एक चीज और ध्यान दो भाई। अच्छा देखिए भाई करौली का शासक कौन था भाई? उधर पॉलिटिकल एजेंट नहीं हो। देखिए भाई करौली का कौन था? मदन पाल। और बताओ भाई झालावाड़ का कौन था?
पृथ्वी। अलवर का कौन था भाई? विनय सिंह। कौन था भाई अलवर का? विनय सिंह। क्लियर भाई? हाँ चलो, तो ये चीज आपको देखो भाई याद करना है, ठीक है भाई। अच्छा देखिए आप लोग एक मिनट इसको वापिस दोहराओ अपनी कॉपी के अंदर, ठीक है ना भाई। एक सेकंड दोबारा दोहराओ इसको। चलो ठीक है भाई, अब ध्यान दो भाई 1857 क्रांति में देखो भाई ये सब चीजें काम आएगी। मैं आपको पूछूंगा कि वहां का शासक कौन था, तो आप लोग तुरंत आंसर देना कि भाई वहां का शासक वो था, वहां का पॉलिटिकल एजेंट वो था, क्योंकि ये चीजें आगे काम आएगी। हाँ अब देखो, देखिए भाई राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना, अरे राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कब हुई थी बताइए भाई? 1832 में। राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कब हुई थी भाई? 1832 में, ठीक है भाई। अच्छा देखिए भाई इसका मुख्यालय कहाँ था? अजमेर में। अब सुनो, इस राजपूताना रेजिडेंसी का पहला पहला एजेंट गवर्नर जनरल, पहला एजेंट गवर्नर जनरल, ठीक है ना भाई, पहला एजेंट गवर्नर जनरल राजपूताना रेजिडेंसी का कौन था? तो देखो भाई आंसर आएगा मिस्टर लोकेट। अरे कौन था? मिस्टर लोकेट था। और देखिए भाई 1857 की क्रांति के समय भाई, अपन 1857 क्रांति पढ़ रहे हैं तो ये काम आएगा। तो ध्यान दीजिए भाई 1857 क्रांति के समय राजपूताना रेजिडेंसी का एजेंट गवर्नर जनरल कौन था? तो आप लोग आंसर देना सर पैट्रिक लॉरेंस। कौन था भाई? सर पैट्रिक लॉरेंस था। ये काम आएगा भाई, ध्यान रखना चित्र। हाँ और ध्यान दो भाई 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था भाई? लॉर्ड कैनिंग। बोलो भाई कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 1857 क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था भाई? लॉर्ड कैनिंग। ओके भाई चलो एक बार दोबारा देखो, बताइए भाई राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कब हुई? 1832 में। अरे कब हुई? 1832 में। इसका मुख्यालय कहाँ? बोलो अजमेर में। और राजपूताना रेजिडेंसी का पहला, राजपूताना रेजिडेंसी का पहला एजेंट गवर्नर जनरल कौन था? मिस्टर लोकेट था। और 1857 क्रांति के समय कौन था भाई? लॉरेंस था। फिर देखो भाई 1857 क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था भाई, ठीक है। अब देखो आगे क्या होता है भाई, जान लो। देखिए भाई ध्यान दो भाई, अरे 1857 की क्रांति ध्यान दो भाई। पहले तो ये चीज देखो आप लोग, एक छावनी थी भाई बैरकपुर, कौन सी थी भाई? बैरकपुर छावनी थी। ये बैरकपुर की छावनी देखो भाई कौन से राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। तो ध्यान दो भाई बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल में है, और इस बैरकपुर छावनी में ध्यान दो भाई बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने, किसने भाई? मंगल पांडे ने, ये समझ लो ध्यान दो भाई। इस बैरकपुर छावनी में ध्यान दो भाई गाय व सुअर की चर्बी से बने कारतूस मुंह से कटवाने के कारण, मुंह से कटवाने के कारण। अरे ध्यान दो भाई बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल, और बैरकपुर छावनी में गाय
सुअर की चर्बी से बने कारतूस मुंह से कटवाने के कारण मंगल पांडे को आया गुस्सा, और गुस्सा आया देखो भाई मंगल पांडे से कटवा रहे थे तो मंगल पांडे को गुस्सा आ गया जबरदस्ती। अब गुस्सा आ गया तो ध्यान दो भाई, देखो मंगल पांडे ने किसने भाई इस भैरपुर छावनी का सिपाही था उस समय ये मंगल पांडे, तो जब ये कटवा रहे थे ध्यान दो भाई मंगल पांडे ने, अरे गुस्सा आ गया मंगल पांडे ने हड़सन और डक, हड़सन और डक डक नामक अंग्रेज अधिकारियों की क्या कर दी बोलो, अंग्रेज अधिकारियों की अंग्रेज की क्या कर दी, हत्या कर दी बोलो भाई क्या कर दी, हत्या कर दी। अब देखिए भाई हड़सन और डक नामक अंग्रेजों की इसने हत्या कर दी मंगल पांडे ने, ठीक है भाई गुस्सा आ गया कर दी। अब देखो भाई जब इनकी हत्या कर दी तो देखो भाई अंग्रेजों ने फिर इस मंगल पांडे को गिरफ्तार करके इस मंगल पांडे को बोलो भाई फिर क्या दे दी, फांसी दे दी बोलो भाई क्या दे दी, फांसी दे दी भाई। अच्छा ध्यान दो इसने हड़सन और डक नामक अंग्रेजों की जो हत्या की थी वो तारीख थी कौन, कितनी तारीख थी बोलो, हड़सन और डक नामक अंग्रेजों की हत्या की थी वो तारीख थी 29 मार्च 1857 को, हाँ 29 मार्च 1857 को हड़सन और डक नामक अंग्रेज अधिकारियों की मंगल पांडे ने हत्या की थी जिसके कारण मंगल पांडे आया, सॉरी मंगल पांडे ने हत्या कर दी, ठीक है भाई, फिर जिसके कारण मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी 8 अप्रैल 1857 कब दी बोलो इसको फांसी, 8 अप्रैल 1857 को दे दी भाई एक बार दोबारा। अब सुनो तो गाय और चर्बी से बने कारतूस मुंह से कटवाने के कारण मंगल और पांडे ने हड़सन और डक नामक अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी, तो ध्यान दो भाई एक तरह से 1857 क्रांति का तात्कालिक कारण बन गया, तो बताओ प्रश्न ये बनता है 1857 क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था, तो क्या आंसर दोगे, गाय व सुअर की चर्बी से बने कारतूस मुंह से कटवाना, और अगर आपसे पूछा जाए 1857 क्रांति का राजनीतिक कारण क्या था तो आप लोग क्या आंसर दोगे बोलो भाई, तो ध्यान दीजिए भाई आप लोग आंसर देना कि लॉर्ड डलहौजी की दमनकारी नीतियां। हाँ चलो तो अब देखिए एक बार दोबारा समझो इसको, तो ध्यान दो भाई 1857 क्रांति का तात्कालिक कारण यह था गाय और सुअर की चर्बी, और राजनीति कारण था लॉर्ड डलहौजी की दमनकारी नीतियां। अब सुनो आगे देखो भाई क्या होता है, चलो एक बार इसको मिटा देता हूँ ये समझ लो भाई, देखो 1857 के बताइए बेरपुर छावनी पश्चिम बंगाल में गाय और सुअर की चर्बी से बने कारतूस मुंह से कटवाने के कारण मंगल पांडे ने हड़सन और डक नामक अंग्रेजी अधिकारी की क्या कर दी, हत्या कर दी भाई, जिसके कारण मंगल पांडे क्या दे दी गई फांसी, कौन सी तारीख को 8 अप्रैल 1857 को। चलो देखो तो बेरपुर छावनी में ध्यान दीजिए भाई गाय और सुअर की चर्बी से बने कारतूस मुंह से कटवाने के कारण मंगल पांडे ने हड़सन और डक नामक अंग्रेज अधिकारी की क्या कर दी बोलो भाई, हत्या कर दी, जिसे रानी को क्या दे दी बोलो फांसी। अच्छा अब देखो भाई अरे ध्यान दो 1857 क्रांति की शुरुआत भारत में बोलो भाई सबसे पहले, अरे भारत में शुरुआत किसकी शुरुआत, 1857 क्रांति की शुरुआत की बात कर रहा हूं मैं, शुरुआत देखो भाई कब हुई 10 मई 1857 को बोलो भाई, कौन सी छावनी में भी बोलो, मेरठ की छावनी में, कौन छावनी भाई मेरठ की छावनी, मेरठ की छावनी कौन से राज्य में है, उत्तर प्रदेश में है, और ध्यान दीजिए भाई दूसरे नंबर पर कहाँ हुई बोलो, दिल्ली में, दूसरे नंबर पर कहाँ हुई भाई दिल्ली में, दिल्ली में कब हुई बोलो 11 मई 1857 को, और ध्यान दीजिए भाई 11 मई 1857 को दिल्ली में हुई दूसरे नंबर पर, और उस समय इस दिल्ली का जो शासक था वो कौन था भाई, बहादुर शाह जफर, कौन था बोलो, बहादुर शाह जफर था, और एक तरह से ध्यान दीजिए भाई ये जो 1857 क्रांति की जो शुरुआत तो मेरठ में हुई भारत में सबसे पहले, और ध्यान दीजिए भाई दिल्ली का शासक बहादुर शाह जफर था, और इस बहादुर शाह जफर को 1857 क्रांति का नेता घोषित किया था, ठीक है भाई। हाँ अब ध्यान दो पहले नंबर पर मेरठ में, दूसरे नंबर पर दिल्ली में, अब उधर होते 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 अपने राजस्थान की ओर आई भाई, कहां पर आई बोलो, राजस्थान की ओर आई भाई, तो देखो उधर होते 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 बताओ भाई 1857 की क्रांति की सूचना बोलो भाई राजस्थान में कहां मिली, राजस्थान में सॉरी कौन सी तारीख को मिली भाई 19 मई 1857 को मिली भाई, पहले इतना कोई मीडिया वगैरह थोड़ी था,
तुरंत आज एक सेकंड में पता लगता है भाई कहां पर कौन सी घटना घट गई, समझ गए ना। तो ध्यान दो भाई, 1857 क्रांति की सूचना राजस्थान में कौन सी तारीख को मिली? 19 मई 1857 को मिली। अरे कब मिली बोलो? 19 मई 1857 को मिली। और देखिए भाई, ये जो सूचना मिली, तो सूचना सबसे पहले किसको मिली? राजस्थानी गवर्नर को मिली। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको 1857 क्रांति के समय राजस्थान का गवर्नर कौन था, है भाई? अरे गवर्नर कौन था? सर पैट्रिक लॉरेंस था। कौन था भाई? सर पैट्रिक लॉरेंस था। तो ध्यान दो भाई, सूचना मिली, देखिए भाई, सर पैट्रिक लॉरेंस को मिली भाई। आप सुनो, सर पैट्रिक लॉरेंस को मिली। तो देखिए भाई, सर पैट्रिक लॉरेंस है ना भाई, ये ध्यान दो भाई, उस समय माउंट आबू में था। कहां पर था बोला? ये माउंट आबू में, जो क्योंकि राजपूताना रेजिडेंसी थी ना भाई उसका, गर्मियों में मई जून में मुख्यालय माउंट आबू में रहा करता था, तो मई जून का ही माना था ये। तो ध्यान दो, उस समय ये वहां पर था। कहां पर था? माउंट आबू में था। तो 1857 क्रांति की सूचना इसको माउंट आबू में मिली। कौन सी तारीख को मिली बोलो? 19 मई 1857 को मिली भाई। अब देखिए भाई, अब ध्यान दो भाई, सूचना मिली, सूचना मिलते देखो भाई, सर पैट्रिक लॉरेंस ने मसीराबाद छावनी को भंग करने का आदेश दे दिया भाई, दिया, क्योंकि ये राजस्थान की सबसे शक्तिशाली छावनी थी भाई, इसलिए इसको इसने इस छावनी को भंग करने का आदेश दे दिया भाई। हाँ, अब बंद करने का आदेश दे दिया भाई इसने, क्योंकि यहाँ के सैनिक इकट्ठे रहेंगे तो कभी भी हमला कर सकते हैं, तो इसने छावनी को बंद करने का आदेश दे दिया। लेकिन ध्यान दो भाई, इसने जैसे ही बंद करने का आदेश दिया, लेकिन ध्यान दो भाई, यहाँ के क्रांतिकारियों ने क्या कर दिया बोलो भाई? विद्रोह कर दिया। बोलो भाई क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। अरे विद्रोह कौन सी तारीख को किया बोलो? चलो भाई यहाँ से देखो, बोर्ड भर गया, फिर नीचे दिखेगा नहीं आप लोगों को, एक बार दोबारा देखो भाई, बोलो 1857 क्रांति की शुरुआत भारत में कहां से हुई? मेरठ की छावनी से हुई। कौन सी तारीख को हुई? 10 मई 1857 को। मेरठ की छावनी कहां है? यूपी में। दूसरे नंबर पर भाई, दिल्ली में कौन सी तारीख को? 11 मई 1857 को। उस समय दिल्ली का राजा कौन था? बहादुर शाह जफर था भाई, शासक, और इसी को 1857 क्रांति का नेता घोषित किया। आगे देखो भाई, ध्यान दीजिए भाई, 1857 क्रांति की सूचना देखो भाई, राजस्थान में कौन सी तारीख को मिली? आप लोग आंसर देना, 19 मई 1857 को मिली। किसको मिली? सर पैट्रिक लॉरेंस को मिली, और उस समय सर पैट्रिक लॉरेंस माउंट आबू में था। तो सूचना मिलते इसने नसीराबाद छावनी को भंग करने का आदेश दिया। जैसे इसने भंग करने का आदेश दिया, तो यहाँ के क्रांतिकारी ने विद्रोह कर दिया। कौन सी तारीख को विद्रोह कर दिया अभी दिखाऊंगा, अब सब बिना देखे आंसर दे देगा आप लोग, बताइए भाई। भारत में 1857 क्रांति की शुरुआत कहां से हुई भाई? मेरठ की छावनी से। मेरठ की छावनी कहां है बोलो? यूपी में। दूसरे नंबर भाई, दिल्ली में 11 मई 1857, उस समय दिल्ली का शासक कौन था भाई? बहादुर शाह जफर। अच्छा देखिए भाई, बताइए भाई, 1857 क्रांति की सूचना राजस्थान में कब मिली बोलो? 19 मई 1857 को मिली। किसको मिली? सर पैट्रिक लॉरेंस को मिली। सर पैट्रिक लॉरेंस उस समय कहां था भाई? माउंट आबू में था। अच्छा तो देखिए भाई, इसने नसीराबाद छावनी को भंग करने का क्या दे दिया? आदेश दे दिया। अब देखो भैया, क्रांतिकारी ने विद्रोह कर दिया। तो ध्यान दीजिए भाई, नसीराबाद छावनी विद्रोह कब हुआ बोलो? 28 मई 1857 को हुआ। बोलो भाई कब हुआ? 28 मई 1857 को हुआ। तो ध्यान दो भाई, राजस्थान में सबसे पहले विद्रोह यही हुआ। कहाँ हुआ? नसीराबाद में हुआ भाई। और कहाँ हुआ? भारत में सबसे पहले कहाँ हुआ? मेरठ में। राजस्थान में सबसे पहले विद्रोह कहाँ हुआ? नसीराबाद में। कौन सी तारीख को हुआ? 28 मई 1857 को हुआ। भारत 10 मई को हुआ। अब देखिए भाई, ध्यान दो, यहाँ के क्रांतिकारी ने
न्यूबोरी नामक अंग्रेज अधिकारी क्या कर दी भाई, हत्या कर दी। बोलो भाई क्या कर दी, हत्या कर दी। और हत्या करके जान दो भाई, ये दिल्ली की और कुछ कर गए भाई। बोलो भाई किधर कुछ कर गए, दिल्ली की और कुछ कर गए भाई। हाँ, अन्य क्रांतिकारियों का साथ देने के लिए। चलो एक बार दोबारा देखो। बोलो भाई नसीराबाद छावनी में विद्रोह कौन सी तारीख को भाई, 28 मई 1857 को। राजस्थान में सबसे पहले विद्रोह नसीराबाद में हुआ और यहाँ की क्रांतिकारी ने नाम अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी, और हत्या कर गए दिल्ली की और कूच कर गए। दोबारा देखो भाई नसीराबाद छावनी में विद्रोह कौन सी तारीख को हुआ भाई, 28 मई 1857 को। और देखे भाई राजस्थान में सबसे पहले विद्रोह यही हुआ और यहाँ के क्रांतिकारी ने नाम अंग्रेज अधिकारी की क्या कर दी, बोलो भाई हत्या कर दी, और हत्या करके दिल्ली की ओर कूच कर गए। ठीक है भाई, हाँ चलो आगे देखो। डाल लेता हूँ भाई, 2 मिनट को। अब देखिए भाई ध्यान दो भाई, देखिए भाई आहुआ, बोलो भाई कौन जगह है आहुआ, आप लोग मुझे बताओ आहुआ, आहुआ कहाँ है बोलो, पाली में। और पाली कहाँ है, मारवाड़ में। अरे पाली कहाँ है, मारवाड़ में। आहुआ पाली और पाली मारवाड़ में है भाई। तो ध्यान दीजिए भाई, देखो इस आहुआ का ठाकुर है। अरे आहुआ का ठाकुर कौन था, कुशाल सिंह चंपावत था। बोलो भाई कौन था, कुशाल सिंह चंपावत था भाई। तो देखो भाई आवा का ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत था, और इस कुशाल सिंह चंपावत का जान दो भाई एक दोस्त था। कौन था भाई दोस्त, दोस्त का नाम था शिवनाथ ईडन। क्या नाम था भाई, शिवनाथ ईडन था। तो आवा का ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत का दोस्त शिवनाथ ईडन था, और इस शिवनाथ ईडन ने जान दो भाई कहा कि दिल्ली चलो। बोलो भाई क्या कहा, दिल्ली चलो और मारो फिरंगे। क्या कहा भाई, दिल्ली चलो मारो फिरंगे। अब ध्यान दो भाई, इसकी सेना जब दिल्ली की ओर जा रही थी, अब सेना जब इसकी दिल्ली की ओर जा रही थी तो देखो भाई कहां जाके पहुंची, नारनौल में। कहां जाके पहुंची बोलो, नारनौल में। नारनौल कहां है भाई, हरियाणा में। और वहां जाते इसकी सेना, बोलो भाई अंग्रेज उसे क्या हो गई भाई, पराजित हो गई। क्या हो गई भाई, पराजित होकर वापिस अपने घर की ओर आ गई। ठीक है ना भाई, वापिस अपने घर आ गई। बट अब सुनो, देखो ध्यान दो, चलो एक बार इसको यहां तक समझ दो बारा। बोलो आवा पाली, पाली कहाँ है भाई, मारवाड़ में। मैं मारवाड़ इसलिए बता रहा हूँ कि अब यहाँ पर 1857 क्रांति में मारवाड़ का शासक कौन था, वो काम आएगा, पॉलिटिकल एजेंट कौन था। तो आप लोग बताओ आवा पाली, पाली कहाँ है, मारवाड़ में। आवा का ठाकुर कौन था भाई, कुशाल सिंह चंपावत था, और इस कुशाल चंपावत का एक दोस्त था, दोस्त का नाम था शिवनाथ ईडन। और देखिए भाई शिवनाथ ईडन ने कहा था कि चलो दिल्ली मारो फिरंगे। अब देखिए भाई जब इसकी सेना दिल्ली की ओर जा रही थी तो कहाँ जाके पहुंची भाई, नारनौल में जाके पहुंची। नारनौल कहाँ, हरियाणा में। और वहां जाते इसकी सेना अंग्रेजों से पराजित हो गई। ठीक है ना भाई, अब देखिए भाई अंग्रेजों से पराजित हो गई, अंग्रेजों से पराजित होकर वापिस अपने घर आ गई। बच्ची कुछ सेना वापिस अपने घर की ओर आ गई भाई। हाँ एक बार दोबारा आंसर दो, बताओ भाई आवा पाली, पाली कहाँ है, मारवाड़ में। आवा का ठाकुर कौन था भाई, कुशाल सिंह चंपावत था, और इस कुशाल चंपावत का दोस्त कौन था भाई, शिवनाथ ईडन था। और शिवनाथ ईडन ने कहा था कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी। और ध्यान दीजिए भाई जब इसकी सेना दिल्ली की ओर जा रही थी तो अंग्रेज उसे पराजित हो गए, और पराजित होकर के ध्यान दो भाई जो बच्ची वापिस लौट कर आ गई भाई नारनौल, हरियाणा में पराजित होकर।
अब देखिए भाई, मैंने आपको बताया था, बताओ अब दोबारा आंसर दो, बोलो 1857 की क्रांति के समय, क्रांति के समय बोलो मारवाड़ का, बताओ मारवाड़ का शासक कौन था। हाँ भाई, 1857 क्रांति के समय मारवाड़ का शासक कौन था। देखिए भाई, मैंने अभी बताया था तख्त सिंह, कौन था भाई, तख्त सिंह था। और देखिए भाई, यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, बोलो मैक मॉनसन, कौन था भाई, मैक मॉनसन था भाई। हाँ, पॉलिटिकल एजेंट कौन था भाई, मैक मॉनसन था। तो सुनो देखो क्या होता है भाई, आप देखो, अरे ध्यान दो भाई, आवा का ठाकुर कौन था, बोलो आवा का ठाकुर था भाई कुशाल सिंह चंपावत, बोलो भाई कौन था, कुशाल सिंह चंपावत था भाई। तो देखो, जब ये कुशाल सिंह चंपावत विद्रोह कर रहा था, तो ये बुरी तरह विद्रोह कर रहा था, तो ध्यान दो, इसके विद्रोह को दबाने की चिंता किसको हुई भाई, अंग्रेजों को भी हुई और मारवाड़ के शासक को भी हुई, ठीक है ना भाई। अब ध्यान दो, अंग्रेजों को भी हुई, मारवाड़ के शासक को भी हुई, कुशाल सिंह चंपावत के विद्रोह को दबाने की चिंता। तो ध्यान दो भाई, जब चिंता हुई तो इस तख्त सिंह ने, बोलो भाई किसने, अरे इस तख्त सिंह ने कुशाल सिंह चंपावत के विद्रोह को दबाने के लिए, इस तख्त सिंह ने अपने सेनापति ओनाड़ सिंह पंवार को भेजा। हाँ भाई, कुशाल सिंह चंपावत ने, ध्यान दो भाई, देखो कुशाल सिंह चंपावत के विद्रोह को दबाने के लिए तख्त सिंह ने अपने सेनापति ओनाड़ सिंह पंवार को भेजा। अब भेजा तो देखो भाई, इन दोनों के बीच क्या होगा, युद्ध होगा। तो ध्यान दो भाई, कुशाल सिंह चंपावत और ओनाड़ सिंह पंवार के बीच जो युद्ध हुआ, उस युद्ध का नाम था बिठूड़ा। क्या नाम था भाई, बिठूड़ा। बिठूड़ा कहाँ है बोलो, पाली में। देखे भाई, बिठूड़ा का युद्ध कब हुआ बोलो, 8 सितंबर 1857 को। अरे भाई कब हुआ, 8 सितंबर 1857 को बिठूड़ा का युद्ध हुआ, और इस युद्ध में कुशाल सिंह चंपावत ने ओनाड़ सिंह पंवार का सिर काट दिया भाई। बोलो भाई क्या काट दिया, सर काट दिया, यानी कि एक तरह से भाई ओनाड़ सिंह पंवार लड़ता हुआ मारा गया। अब ध्यान दो भाई, जब ओनाड़ सिंह लड़ता हुआ मारा गया, तो एक तरह से तख्त सिंह ही हार गया, समझ गए ना आप लोग, यानी कि तख्त सिंह कुशाल सिंह चंपावत के विद्रोह को दबाने में असफल रहा। आप ध्यान दो भाई, जब ये असफल रहा, तो इस कुशाल सिंह चंपावत के विद्रोह को दबाने की चिंता किसको हुई। ध्यान दो भाई, इसके विद्रोह को दबाने की चिंता मारवाड़ के शासक को हुई, किसको हुई भाई, मारवाड़ के शासक को हुई, ओ सॉरी, मारवाड़ के शासक को तो हार गया, इसके विद्रोह को दबाने की चिंता ध्यान दो भाई राजस्थान के गवर्नर को हुई, समझ गए ना आप लोग। राजस्थान का गवर्नर कौन था भाई, लॉरेंस, कौन था भाई बोलो, सर पैट्रिक लॉरेंस था। तो सुनो भाई, विद्रोह को तो दबाना ही था, तो ध्यान दीजिए भाई, अब देखो, जब मारवाड़ का शासक हार गया, तो कुशाल सिंह चंपावत के विद्रोह को दबाने के लिए सजगकर कौन आ गया, राजस्थान का गवर्नर आ गया। राजस्थान का गवर्नर कौन था 1857 क्रांति के समय, लॉरेंस, सर पैट्रिक लॉरेंस था। तो ध्यान दो भाई, सर पैट्रिक लॉरेंस आया और साथ में मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मेकर मॉनसन को भी ले लिया। अरे लॉरेंस आया और साथ में मैक मॉनसन को भी ले लिया। आप ध्यान दो भाई, मैक मॉनसन को भी ले लिया, और दोनों ने मिलकर बताओ किसके ऊपर अटैक किया, कुशाल सिंह चंपावत के ऊपर अटैक किया भाई। आप सुनो, देखो कुशाल सिंह चंपावत एक तरफ है, और देखो लॉरेंस और मैक मॉनसन एक तरफ है, समझ रहे ना आप लोग भाई। तो देखो भाई, ये एक तरफ, ये वो एक तरफ, अब इनके बीच में भी क्या हुआ, युद्ध हुआ। तो बताओ, इनके बीच में जो युद्ध हुआ, उसका नाम चेलावास। क्या नाम है भाई, चेलावास। चेलावास है कहाँ बोलो, पाली में। अब देखो भाई,
ये अंग्रेज थे दोनों के दोनों, तो ध्यान दो इनकी सेना भी अंग्रेज नहीं थी गोरी। और देखो कुशाल सिंह चंपावत अपनी तरह काला था भाई, तो इसकी सेना भी काली होगी। तो ध्यान दो भाई, इस चेलावास के युद्ध को गोरे काले का युद्ध भी कहा जाता है। बोलो भाई क्या कहा जाता है? अरे गोरे काले का युद्ध भी कहा जाता है। तो बताओ आप लोग गोरे काले का युद्ध ध्यान दो भाई, यह हुआ 18 सितंबर 1857 को। और ध्यान दो भाई इस गोरे काले के चेलावास के युद्ध में कुशाल सिंह चंपावत ने मेकमोहन सन का क्या काटा? सिर काटा। और इसका सिर काट कर आउवा के किले के सामने लटका दिया भाई। कहां लटकाया भाई? आउवा के किले के सामने लटकाया भाई। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि कौन से पॉलिटिकल एजेंट का सर काट कर आउवा किले के सामने लटकाया? मेकमोहन सन का। किसका? मेकमोहन सन का। क्लियर भाई? चलो दोबारा देखो, बताओ भाई 1857 क्रांति के समय मारवाड़ का शासक कौन था? बोलो भाई तख्त सिंह था। पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेकमोहन सन था। तो बताओ आप लोग कुशाल सिंह चंपावत के विद्रोह को दबाने के लिए मारवाड़ का शासक तख्त सिंह ने किसको भेजा? अपने सेनापति को भेजा। सेनापति कौन था भाई? वो नार सिंह पंवार था। तो नार सिंह पंवार को भेजा। तो ध्यान दो भाई कुशाल सिंह चंपावत और नार सिंह पंवार के बीच भी ठुड़क का युद्ध हुआ 8 सितंबर 1857 को हुआ। और इस युद्ध में कुशाल सिंह चंपावत ने नार सिंह पंवार का सर काट लिया। अब देखो भाई कौन आया फिर सच दर्ज कर? बोलो लॉरेंस आया। और ध्यान दीजिए भाई लॉरेंस ने साथ में किसको ले लिया? बोलो भाई मेकमोहन सन को ले लिया। और दोनों ने मिलकर बताओ किसके ऊपर आक्रमण किया? कुशाल सिंह के ऊपर आक्रमण किया। और ध्यान दीजिए भाई इनके बीच जो युद्ध हुआ उसका नाम चेलावास या गोरे काले का युद्ध, ये 18 सितंबर 1857 को हुआ। और इस चेलावास या गोरे काले का युद्ध में कुशाल चंपावत ने मेकमोहन सन का सर काट करा हुआ किले के सामने लटका दिया। ठीक है भाई, 1857 क्रांति के समय बताइए भाई मारवाड़ का शासक कौन है? तख्त सिंह है। पॉलिटिकल एजेंट कौन है? मेकमोहन सन है। अच्छा देखिए भाई कुशाल सिंह चंपावत ने अपने सेनापति नार सिंह पंवार को भेजा। अब देखिए भाई भीठोड़ा कहां? पाली में। भीठोड़ा युद्ध कब हुआ? बोलो 8 सितंबर 1857 को। और इस युद्ध में नार सिंह पंवार का सिर काट दिया गया। फिर देखो भाई कौन आया? लॉरेंस आया। साथ में किसको ले लिया? मेकमोहन सन को ले लिया। दोनों ने मिलकर किसके ऊपर अटैक किया? कुशाल सिंह के ऊपर अटैक किया। और ध्यान दो भाई इनके बीच जो युद्ध हुआ उसका नाम था चेलावास या गोरे काले का युद्ध। और इस युद्ध में ध्यान दो भाई इसने इसका सर काट दिया। किसका? मेकमोहन सन का। सर काट कर आवा के किले के सामने लटका दिया। ठीक है भाई ओके। अब देखो भाई आगे क्या होता है। देखो अब देखिए भाई आपको पता लग गया कि मारवाड़ का शासक भी हार गया, विद्रोह को दबाने में असफल हो गया, और राजस्थान का गवर्नर भी असफल हो गया। अब जब जब असफल हो गए तो बताओ कुशाल सिंह चंपावत के विद्रोह को दबाना तो था। तो आप लोग ध्यान दीजिए भाई, अब कुशाल सिंह चंपावत के विद्रोह को दबाने की चिंता बोलो भाई किसको हुई? अरे ध्यान दो इसके विद्रोह को दबाने की चिंता देखो भाई अब लास्ट में भारत के गवर्नर को हुई। बोलो भाई किसको हुई? भारत के गवर्नर को हुई। और उस समय भारत का गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और देखिए भाई इसको हुई लेकिन थोड़ी आएगा यहाँ पर। तो इस लॉर्ड कैनिंग ने देखो भाई आदेश किसको दिया? वही राजस्थान के गवर्नर को दिया, लॉरेंस को। किसको दिया? लॉरेंस को दिया भाई। पुनः आदेश दिया। लॉरेंस ने सोचा कि पहले ही गांड बचा कर आया हूँ, फिर मेरा नंबर हुआ किस आएगा? अब की बार तो अपना ही नंबर आएगा भाई पक्का। तो ध्यान दो भाई तब लॉरेंस को आदेश दिया तो लॉरेंस फिर ध्यान दो भाई खुद नहीं गए, इसको पत्र मेरा नंबर आएगा। तो ध्यान दो लॉरेंस ने रॉबर्ट्स को आदेश दिया, सॉरी ये समझ लो भाई। देखो भाई लॉरेंस को दिया तो, लेकिन ध्यान दो भाई अब की बार देखिए भाई खुद नहीं गया लॉरेंस, लेकिन ध्यान दो भाई लॉरेंस ने काम जरूर किया। अरे लॉरेंस ने दो छावनियों की सेना को
दो छावनियों की सेना को शामिल कर लिया। बोलो कौन कौन सी को? नसीराबाद और पालनपुर। ये लो भाई, तो नसीराबाद और पालनपुर दो छावनियों की सेना को शामिल कर लिया भाई। ठीक है ना भाई, अब ध्यान दो भाई, जब दोनों की सेना को शामिल कर लिया तो देखो भाई क्या होता है, शामिल करने के बाद भी खुद खुद नहीं गया तो बताओ, खुद नहीं गया तो नेतृत्व किसको दिया इनका? दोनों छावनी का सेना का नेतृत्व दिया भाई ब्रिगेडियर होम्स को। किसको दिया भाई? ब्रिगेडियर होम्स को दिया। और हाँ ध्यान दीजिए भाई, किसको दिया बोलो भाई? ब्रिगेडियर थोड़ी देर बाद में आऊंगा यार, आपको बोलो। कोचिंग के चलो, मैं थोड़ी देर बाद में बात करूंगा सर। तो देखिए भाई, ध्यान दो, नसीराबाद प्लस पालनपुर की छावनी को शामिल किया। और ध्यान दो भाई, शामिल करने के बाद देखिए भाई, नेतृत्व बोलो भाई किसको दिया? ब्रिगेडियर होम्स को दिया। बोलो भाई किसको दिया? ब्रिगेडियर होम्स को दिया। और देखिए भाई ध्यान दो, ब्रिगेडियर होम्स ने ध्यान दो भाई बुरी तरह बोलो भाई क्या किया? दमन किया। बोलो भाई बुरी तरह क्या किया? एक तरह से दमन किया, यानी कि यह जाकर के इसने ध्यान दो भाई जो भी सामने है सब भाई, दो छावनी की सेना शामिल कर लिया था इसने, तो इसने बुरी तरह जाके दमन किया, जो भी सामने है सबको मार दिया, काट दिया, फांसी की सजा दे दी, यानी कि ये विद्रोह को दबाने में सफल हो गया ब्रिगेडियर होम्स ये। और ध्यान दो भाई, इस ब्रिगेडियर होम्स ने, अरे कुशाल सिंह चंपावत, आराध्य देवी कौन थी भाई? सुगाली माता थी। तो ध्यान दो भाई, इसने सुगाली माता के मंदिर को भी तोड़ फोड़ दिया, यानी कि वे यह विद्रोह को दबाने में सफल हो गया। अब ध्यान दो भाई, तो सुगाली माता के मंदिर को भी तोड़ फोड़ दिया भाई सुगाली माता। ध्यान दो भाई, कुशाल सिंह चंपावत की आराध्य देवी थी। अब देखिए भाई ध्यान दो, इस सुगाली माता का जो मूर्ति है तोड़ फोड़ दे, तो ध्यान दो भाई सुगाली माता की मूर्ति वर्तमान में पाली के संग्रहालय में, बोलो भाई कहाँ सुरक्षित है? पाली के संग्रहालय में सुरक्षित है भाई इसकी मूर्ति। किसकी मूर्ति? सुगाली माता की मूर्ति। सुगाली माता किसकी कुलदेवी थी? कुशाल सिंह चंपावत की थी भाई। बार दोबारा देखो, बताओ कुशाल सिंह चंपावत के विद्रोह को दबाने की चिंता किसको हुई? अरे भारत के गवर्नर को हुई। भारत का गवर्नर कौन था उस समय? लॉर्ड कैनिंग था। तो देखिए भाई, लॉर्ड कैनिंग को हुई, और लॉर्ड कैनिंग ने ध्यान दो भाई किसको आदेश दिया? लॉरेंस को आदेश दिया। और लॉरेंस ने ध्यान दो भाई नसीराबाद और पालनपुर की छावनी को शामिल कर लिया, और शामिल करने के बाद दोनों का नेतृत्व ब्रिगेडियर होम्स को दिया, और ब्रिगेडियर होम्स ने जाकर बुरी तरह दमन किया, यानी कि यह विद्रोह को दबाने में सफल हो गया। और ध्यान दो, जो भी आया सबको मैं एक तरह से मार दिया, काट दिया, फांसी की सजा दे दी, और आवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की आराध्य देवी को भी नहीं छोड़ा। अरे ध्यान दो भाई, कुशाल सिंह चंपावत की आराध्य देवी सुगाली माता के मंदिर को भी इसने तोड़ फोड़ दिया। सुगाली माता की मूर्ति वर्तमान में पाली के संग्रहालय में सुरक्षित है भाई, चौनात वाली है। ओके भाई, हाँ अब देखो, तो आप लोग बताइए भाई, बताओ भाई कुशाल चंपावत के विद्रोह को दबाने के अंत में चिंता किसको हुई? भारत के गवर्नर लॉर्ड कैनिंग को हुई। लॉर्ड कैनिंग ने किसको आदेश दिया? बोलो लॉरेंस को आदेश दिया। और लॉरेंस ने नसीराबाद और पालनपुर की छावनी को शामिल किया, शामिल करने के बाद दोनों का नेतृत्व किसको दिया? ब्रिगेडियर होम्स को दिया, और ब्रिगेडियर होम्स ने जाकर बुरी तरह दमन किया। बताओ भाई, कुशाल चंपावत की आराध्य देवी कौन थी? सुगाली माता थी। उसके मंदिर को किसने तोड़ फोड़ दिया? इसकी मूर्ति वर्तमान पाली के संग्रहालय में सुरक्षित है। अब देखो भाई आगे क्या होता है, ध्यान दो भाई। आप देखिए भाई ध्यान दो,
आवा का ठाकुर कौन है भाई? कुशाल सिंह चंपावत। बोलो भाई कौन है? कुशाल सिंह चंपावत। तो ध्यान दो भाई, कुशाल सिंह चंपावत भी एक तरह से अपनी जान बचा कर देखिए भाई कहां पर जाके, ध्यान दो आवा से जाकर। कुशाल सिंह चंपावत ने भी एक तरह से आवा से जाकर कहां शरण ली? बोलो सलुम्बर में। कहां शरण ली भाई? सलुम्बर में। सलुम्बर कहां? बोलो उदयपुर में। और ध्यान दो भाई, सलुम्बर में जाके शरण ली। सलुम्बर के, सलुम्बर में किसके पास शरण ली भाई बताओ? सलुम्बर में इसने कोठारिया रावत जोध सिंह, कौन है भाई? जोध सिंह के पास इसने बोलो भाई क्या ली? शरण ली। बोलो भाई क्या ली? शरण ली भाई। तो दोबारा देखो आप लोग, कुशाल सिंह चंपावत ने सलुम्बर उदयपुर में जाकर कोठारी रावत जोध सिंह के पास क्या ली भाई? शरण ली भाई। ठीक है भाई। और दूसरी बात आपको ये भी याद रखना है, क्या याद रखना है बोलो? वो ये याद रखना है कि 1857 की वो जो क्रांति हुई थी आहुआ में, इस आहुआ की क्रांति, आहुआ की क्रांति की जांच के लिए, किसके लिए भाई? जांच के लिए कौन सा आयोग गठित किया? तो आप लोग क्या आंसर दोगे? मेजर टेलर आयोग गठित किया। अरे भाई आहुआ की क्रांति की जांच के लिए बताइए कौन सा आयोग गठित किया बताओ? मेजर टेलर आयोग गठित किया। और दूसरी बात बताइए, ध्यान दो भाई, अरे आहुआ के किले को किसने लूटा था? तो बताओ भाई आंसर क्या दोगे? डूंग जी। कौन है भाई? तो डूंग जी। और ये कौन है बोलो? जवाहर जी। कौन है भाई? जवाहर जी। तो ध्यान दीजिए भाई, देखिए डूंग जी और जवाहर जी ने आहुआ के किले को लूटा था, समझ रहे ना आप लोग? अरे डोंग जी और जवाहर जी ये दोनों के दोनों सीकर के निवासी थे। कहां के निवासी थे बोलो? सीकर के निवासी थे। और इन दोनों का काम क्या था? इन दोनों का काम लूटपाट करना और गरीबों में धन बांटना था। ठीक है ना भाई? हाँ, लूटपाट करना और गरीबों में धन बांटना था भाई इनका काम। ते दोनों के दोनों कहां के निवासी थे भाई? ये सीकर के निवासी थे भाई। एक बार दोबारा देखो बताओ, कुशाल सिंह चंपावत ने आहुआ से जाकर कहां शरण ली थी? सलुम्बर में। कहां शरण ली थी बोलो? सलुम्बर में। सलुम्बर कहां है? उदयपुर में। किसके पास शरण ली? कोठारिया रावत जोध सिंह के पास शरण ली थी। और ध्यान दीजिए भाई, फिर पीछे से इस कुशाल सिंह चंपावत की जागीरदारी तखत सिंह ने छीनी थी। किसने छीनी थी भाई? तखत सिंह ने कुशाल सिंह चंपावत की पीछे से जागीरदारी छीन ली थी। उसने फायदा उठाया भी लास्ट में देखो। हाँ, और ध्यान दीजिए भाई, आवा की क्रांति की जांच के लिए कौन सा आयोग गठित किया था? बोलो भाई। मेजर टेलर आयोग गठित किया। और ध्यान दीजिए भाई, आहुआ के किले को किसने लूटा? डोंग जी और जवाहर जी ने लूटा था। डोंग जी और जवाहर जी कहाँ के रहने वाले थे? सीकर के रहने वाले थे। दोनों का काम क्या था? लूटपाट करना और गरीब धन बांटना। लोग देवता श्रेणी में आगे थे। और दूसरी बात ध्यान दीजिए भाई, 1857 क्रांति का विजय स्तंभ कहाँ है? आहुआ में। 1857 क्रांति का विजय स्तंभ आहुआ में। इस चीज का भी आप लोग अच्छी तरह ध्यान रखना भाई। ठीक है भाई। अच्छा आंसर दो, एक बार ध्यान देखिए बोलो, बताइए भाई, कुशाल सिंह चंपावत ने आहुआ से जाकर कहां पर शरण ली? सलुम्बर में। उदयपुर में जाकर किसके पास? कोठारिया रावत जोध सिंह के पास शरण ली। और बताओ पीछे से फिर इसकी जागीरदारी किसने छीनी थी? जब्त की थी, सॉरी जब्त की थी, तखत सिंह ने जब्त की थी। और ध्यान दीजिए भाई, आहुआ की क्रांति की जांच के लिए कौन सा आयोग गठित किया? बोलो। मेजर टेलर आयोग गठित किया। और देखिए भाई, आवा के लिए किसने लूटा? बोलो डोंग जी और जवाहर जी ने लूटा। तो ध्यान दो भाई, ये थी अपनी एक तरह से भाई आहुआ की क्रांति। ओनली फॉर कहां की क्रांति थी भाई? आहुआ की, समझ गए ना? हाँ, तो देखिए भाई इसको एक बार दोहराना, आप लोग दोबारा पूरी याद हो जाएगी। और अब देखिए भाई, इससे आगे अपन देखो पढ़ेंगे अपन कोटा की, इनकी। तो ध्यान दो भाई, अब वो कब चालू करेंगे अपन? कल चालू करेंगे। हाँ, आज देखो इतना ही बहुत हो गया, ठीक है ना? पूरा परफॉर्मेंस बता दिया मैंने आपको, शुरुआत से कैसे कैसे क्या हुआ, फिर वहां से फिर आप 1857 कराना आहुआ की पढ़ी अपन ने, ठीक है ना भाई? तो इस तरह से आपको इसको एक बार जरूर दोहराना, पूरी याद हो जाएगी, है ना? ओके।